नमस्कार, मैं राघव जैन आपका स्वागत करता हूं आज शाम के खास बुलेटिन एक्सप्रेस प्लस में, जिसमें हम नजर मारते हैं देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों पे। तो आइए देखते हैं। चीनी सैनिकों की आक्रामकता से फिर सीमा पर बड़ा तकरार, स्थिति तनावपूर्ण मगर बातचीत जारी। आपको बता दें कि बीते कई महीनों से पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जारी गतिरोध के बीच सोमवार को भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प की खबरें आ रही है। भूकंप के साथ झटके से हिली लद्दाख की धरती, सुबह सुबह अंडमान निकोबार में भी तेज झटके। बिहार विधानसभा चुनाव के साथ साथ बीजेपी के लिए 65 उपचुनाव भी बेहद अहम। एमपी में टिका है शिवराज सरकार का भविष्य। कांग्रेस पार्टी की आज महत्वपूर्ण बैठक, मानसून सेशन में नरेंद्र मोदी सरकार को घेरने के लिए बनेगी रणनीति। पार्टी के संसद रणनीति समूह की बैठक कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अध्यक्षता में होगी। पंजाब के शहरों में अब रात 9 बजे तक खुली रहेगी दुकानें, शनिवार को लॉकडाउन नहीं। कांग्रेस विधायकों और मेडिकल विशेषज्ञों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने सोमवार को शहरी क्षेत्रों में कुछ नई छूटें देने का ऐलान किया है। पंजाब में कोरोना वायरस से पिछले 24 घंटे में 1900 से ज्यादा लोग संक्रमित, 50 से ज्यादा मौतें। इसके साथ ही राज्य में कोरोना के कुल संक्रमितों का आंकड़ा 65,000 के पार पहुंच गया है। जलंधर में त्योहारों पर बिक्री के सामान से भरी फर्नीचर की दुकान पर लगी भीषण आग, बुझाने में जुटी है फायर ब्रिगेड। 60 फुटी रोड स्थित फर्नीचर की दुकान हाईग्रेड फर्नीचर में मंगलवार सुबह भीषण आग लग गई। स्कॉलरशिप घोटाला, पटियाला में सीएम आवास घेरने पहुंचे बैंस व उनके समर्थकों पर पुलिस ने किया लाठीचार्ज। कैप्टन ने कहा कोरोना को लेकर अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे डीजीपी। 15 साल की नाबालिग ने दिया जिस बच्चे को जन्म, उसे डिस्ट्रिक्ट मोहाली चाइल्ड वेलफेयर कमेटी ने किया अडॉप्ट। डोनाल्ड ट्रंप बोले अक्टूबर से पहले आ सकती है कोरोना की वैक्सीन। WHO ने चेताया कोरोना वैक्सीन आखिरी महामारी नहीं है, आने वाले हैं और भी बड़े संकट। रिया चक्रवर्ती ने सुशांत सिंह राजपूत की बहन प्रियंका के खिलाफ दर्ज कराई शिकायत। श्वेता बोली झूठी FIR हमें तोड़ नहीं सकती। कंगना रनौत पर दर्ज हो राजद्रोह का मुकदमा, शिवसेना ने शिकायत दर्ज कराई। मुंबई की POK से पुलना पर बढ़ेगी मुश्किल। ये थी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर हाजिर होंगे देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहें आज शाम प्लस।